Hello guys, welcome to H2O, the A to Z of chemistry. मैं हूँ डॉक्टर रितु जौहर, आपकी एजुकेटर इस कोर्स के लिए, जिसका नाम है The Atomic Structure. आज हम शुरू करेंगे इसका लेक्चर नंबर 8, but make sure आपने इससे पहले के सभी लेक्चर जरूर देख लिए हों. लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी फिनोमेना जो कि एक्सप्लेन नहीं हो पाए थे वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, बट वो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एक्सप्लेन होते हैं. उसमें हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन और कैसे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के थ्रू हमने उसको एक्सप्लेन किया. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कैसे वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और इसको किसने एक्सप्लेन किया. सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से कुछ रिलेटेड, लाइट इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट. तो एच हर्ट्स इन द ईयर 1887 परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स दे वर इजेक्टेड व्हेन सर्टेन मेटल्स लाइक पोटाशियम रुबिडियम सीजियम they were exposed to a beam of light. और electrons काहे के लिए responsible होते हैं? Electric current के लिए. तो electric current produce होता है जब metal को किस पे expose किया? To a beam of light. तो phenomenon को क्या बोलते हैं? Photoelectric effect. और ejected electron को क्या कहते हैं? Photoelectron. ये diagram है experimental setup का. तो इसमें क्या किया गया? एक इवैक्यूएटेड गैस ग्लास ट्यूब ली. तो इवैक्यूएटेड मतलब उसमें से एयर को पंप आउट किया विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप. तो वैक्यूम क्रिएट किया अंदर और इसके एंड्स पे क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड क्या है? कैथोड. और इसको ज्वाइन किया एक बैटरी के साथ. अब इसके ऊपर क्या किया? लाइट रेडिएट की हमने मेटल के ऊपर कैथोड के. और ये जो लाइट है ये कैसी लाइट है? मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मतलब सिंगल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की लाइट है, राइट. अब जब ये इसके ऊपर मेटल सरफेस पे लाइट पड़ती है तो मेटल क्या होता है? मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि लूजली बाउंड है ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल. तो ये जब लाइट एनर्जी को रिसीव करते हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे. तो एब्जॉर्ब करने पर क्या होगा? जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और वो क्या करेंगे? न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर पाएंगे और वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे. जब वो बाहर निकलेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? कैथोड टू एनोड की तरफ. और इससे हमारा सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट. करंट फ्लो करेगा. इस करंट को क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हुए वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स और फिनोमिनल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्होंने हर्ट्ज ने क्या कुछ देखा, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या थी. उन ऑब्जर्वेशंस को समझने के लिए आपको एक एग्जांपल देती हूँ. 10 बॉयज हैं एक लाइन में खड़े हुए हैं और सब बराबर के पावरफुल हैं, सब में सेम सी एनर्जी है. अब एक बॉय जिसका नाम हम रख लेते हैं राहुल, वो चाहता है कि अब वो उस लाइन में घुस जाए. और उसमें घुसने का तरीका सिर्फ ये है कि उनमें से किसी एक बॉय को उसको बाहर निकालना पड़ेगा. ऐसे नहीं है कि वो अपनी स्पेस क्रिएट कर लेगा. ठीक है, तो बाहर उसको किसी को निकालना पड़ेगा तो वो उस लाइन में जाके खड़ सकेगा. अब वो सक्सेसफुल कब होगा लाइन में खड़ने के लिए? जब उसके पास इतनी एनर्जी या पावर होगी कि वो कम से कम एक लड़के को लाइन में से बाहर निकाल सके. तो उसके पास ये एनर्जी होगी तो वो क्या करेगा? वो उसको धक्का लगाएगा एक लड़के को. और वो धक्का कितनी जोर से लगेगा ये डिपेंड करेगा कि उसकी एनर्जी उस धक्का जिस लड़के को लगा रहे उससे कितनी ज्यादा है. जितना धक्का ज्यादा लगाएगा उतनी जोर से वो लड़का जो दूर जाके पीछे को गिरेगा. ठीक है, तो ये हो गया. दूसरा, अब वो चाहता है कि मेरे साथ साथ मेरे और भी फ्रेंड्स हैं वो भी आके इस लाइन में लग जाएं. तो वो कब लग पाएंगे? सेम से फ्रेंड्स हैं उसके, उनके अंदर भी उतनी एनर्जी है तो वो भी आएंगे, एक एक बॉय को धक्का मारेंगे और वो उसके अंदर लाइन में लग जाएंगे.
अब अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आपको ये ऑब्जर्वेशंस बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। पहली ऑब्जर्वेशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सर्फेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सर्फेस, दैट इज देर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ द लाइट बीम एंड द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सर्फेस। तो जैसे ही राहुल ने आके लड़के को धक्का मारा वो लाइन में से बाहर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पे लाइट बीम पड़ी वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या थे वो बाहर निकल गए मेटल सरफेस से, ओके। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करती है, लाइट के अंदर जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा। तो जितने लड़के राहुल अपने साथ लेके आएगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उतने ही लड़के वो लाइन में से बाहर निकाल पाएगा। तो जितनी इंटेंसिटी ज्यादा जितने नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, राइट। अब फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसको कहते हैं, बिलो विच द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। अगर राहुल और राहुल के फ्रेंड्स की एनर्जी उन लाइन में खड़े हुए लड़कों से एनर्जी कम होगी तो वो उनको धक्का नहीं मार सकते, ठीक है। वैसे ही मेटल की अपनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, उससे रिलेटेड मिनिमम एनर्जी है। अगर वो एनर्जी से ज्यादा होगी लाइट की एनर्जी तो ही वो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और अगर वो फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर देन न्यू नॉट है तो द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद अ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। राहुल की जितनी एनर्जी है वो उतनी एनर्जी से उनको बाहर को धक्का मारेगा। जितना उसके पास एनर्जी ज्यादा है उस मिनिमम लड़के की एनर्जी से ज्यादा उतनी जोर से वो पीछे को जाके गिरेगा। बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर निकलेंगे, उतनी काइनेटिक एनर्जी से निकलेंगे जितनी ये फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। तो अब हमें यहां से क्या समझ में आता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। वो इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंडेंट नहीं है, वो किस पे डिपेंडेंट है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करोगे तो पहले आप देखोगे कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी पहुंचने तक इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए ही नहीं। उसके बाद जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और इंटेंसिटी के साथ इंटेंसिटी आप जितनी मर्जी बढ़ाते रहो काइनेटिक एनर्जी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट है द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इंटेंसिटी नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा, नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा तो नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा। और नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन हैपन इन वैक्यूम एज वेल, ठीक है। तो ये बेसिकली है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो नाउ हाउ वॉज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन्ड। जो मैक्सवेल वेव थ्योरी थी वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मैक्सवेल ने क्या कहा था कि जो एनर्जी ऑफ लाइट है वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। तो अगर इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो क्या होना चाहिए था, इमीडिएटली एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुरू हो जानी चाहिए और साथ ही में जो एनर्जी होगी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को। बट एक्चुअली में हमने देखा कि ये ऐसा नहीं होता है, ना तो इंटेंसिटी बढ़ाने से इमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की और ना ही जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की वो प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी के। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किसने किया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इन द ईयर 1905।
तो क्या कहा आइंस्टाइन ने, उन्होंने कहा कि व्हेन अ फोटोन स्ट्राइक्स अ मेटल सरफेस इट यूजेस पार्ट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल एटम एंड द रेस्ट ऑफ दिस इज गिवन टू इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो जब भी लाइट मेटल सरफेस पे फॉल करेगी तो उस पर क्या स्ट्राइक करेंगे, फोटॉन्स स्ट्राइक करेंगे। फोटॉन्स पार्टिकल नेचर हो गया, तो ये फोटॉन्स क्या करेंगे जब स्ट्राइक करेंगे मेटल सरफेस पे तो कुछ एनर्जी जो ये इलेक्ट्रॉन्स को देंगे वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे पार्ट उसका यूज करेंगे इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी जो कि यूज करेंगे ओवरकम करने के लिए न्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कुछ एनर्जी उसके लिए यूज होगी और बाकी की जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू द बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब प्लैंक क्वांटम थ्योरी के हिसाब से क्या था, एनर्जी कितनी होती है एच न्यू, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। ठीक है, ये होगी टोटल एनर्जी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी एच न्यू नॉट, यहाँ पे न्यू नॉट क्या है थ्रेशोल्ड एनर्जी उस मेटल की, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है। अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी होती है इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोलते हैं। ओके, सो हाफ एम वी स्क्वायर या काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एच इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट। अब ये जो एक्सपेरिमेंट के जो हमने ऑब्जर्वेशंस देखी थी उनको हम इस इक्वेशन के थ्रू कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो देखते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी जो कि लाइट की है वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो इंसिडेंट लाइट की जो एनर्जी है एच न्यू वो बड़ी हो जाएगी एच न्यू नॉट से। ठीक है, तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी है एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होगी कैसे, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि जितनी उसकी एनर्जी ज्यादा थी उस राहुल की उसने उतनी जोर से ही धक्का मारा और वो लड़का जाके गिरा। अगर उसकी एनर्जी कम होती तो वो जो धक्का मारता वो होता थोड़ा सा कम, धक्का पीछे को कम लगता। ठीक है, और हायर फ्रीक्वेंसी फोटॉन्स इम्पार्ट मोर काइनेटिक एनर्जी टू द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो तो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी, तो राहुल की एनर्जी अगर उस लाइन में खड़े हुए लड़के से कम होगी तो उसको बाहर निकाल ही नहीं पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा ही नहीं चाहे आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ा दो इंसिडेंट रेडिएशन की। ठीक है, अगर जो आने वाले लड़के हैं उनकी एनर्जी सामने वाले इलेक्ट्रॉन्स से कम है तो वो उनको धक्का नहीं मार सकते। तो ईच फोटोन कैन इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन, एक राहुल एक लड़के को ही लाइन से बाहर निकाल सकता है, ऐसे नहीं है कि दो मिलके एक को बाहर निकालेंगे, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही इजेक्ट कर सकता है। इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी मोर नंबर ऑफ फोटॉन्स मोर नंबर ऑफ राहुल्स स्ट्राइक द मेटल हेंस मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे आर इजेक्टेड। ठीक है, आई होप अब आपको ये सब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझ में आ गया होगा। काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, इंटेंसिटी से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड बढ़ेंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। राइट, अब स्पेसिफिक मेटल्स की फिक्स्ड वैल्यू होती है वर्क फंक्शन की, तो कुछ का एग्जाम्पल आपके सामने है। तो वर्क फंक्शन पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर डिफरेंट मेटल्स लाइक लिथियम 2.42, सोडियम 2.3, पोटाशियम 2.25, मैग्नीशियम 3.7, कॉपर 4.8 और सिल्वर 4.3। तो ये आपको वैल्यूज याद नहीं करनी है, बेसिकली ये आपको सिर्फ ये समझाने के लिए है कि सबका जो स्पेसिफिक फिक्स्ड वर्क फंक्शन होता है, जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को
उस मेटल की सरफेस में से इजेक्ट कराने के लिए। यहाँ से आप ये भी अप्रिशिएट कर सकते हो कि पोटेशियम का वर्क फंक्शन बहुत कम है, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखना बहुत आसान है, कम एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन शुरू हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी का यूनिट है, एंड दिस इज इक्वल टू वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एक्सेलरेटिंग इट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। वर्क डन ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन एक्सेलरेटिंग इट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। और अगर हम अब इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जाउल्स में कन्वर्ट करें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10^-19 जाउल्स। सो इस वैल्यू को भी आप याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में ये यूज होती है। अब जो कुछ भी हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में डिस्कस किया, अगर हम उसको अब सम अप करें एक एग्जांपल के साथ, तो हमारे पास हमें मालूम है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं करती। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए क्या लिया है हमने पोटेशियम मेटल लिया, उसकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें मालूम है कितनी है, 5×10^14 हर्ट्स। अब इस पे हम क्या करेंगे, रेड लाइट इरेडिएट करेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी है 4.6×10^14 हर्ट्स। ये फ्रीक्वेंसी अब क्या है, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो हम देखते हैं कि इस रेड लाइट को जितनी मर्जी आप ब्राइटनेस का ले लोगे और इसको चाहे घंटों पोटेशियम मेटल पे डालते रहेंगे तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। बट जैसे ही हम एक चाहे वेरी वीक येलो लाइट भी ले लें जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, बट उसकी येलो लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5.1×5.2×10^14 हर्ट्स, जो कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई, राइट। तो जैसे ही हमने चाहे वीक येलो लाइट भी डाली पोटेशियम मेटल पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। सो ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इस सारी नॉलेज के साथ हम यूज कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में। तो फाइनली अब जो चीज रिमेंबर रखेंगे आप, वो क्या थी कि जब भी हम इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे ऑफ अ गिवन फ्रीक्वेंसी जो कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर जाएंगे मेटल सरफेस पे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इंक्रीज कर जाएंगे। मगर क्योंकि हम लाइट एक गिवन फ्रीक्वेंसी की ले रहे हैं, या रेड लाइट ले रहे हैं या येलो लाइट ले रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी हमारी, हमने एक सर्टन फ्रीक्वेंसी ही ली है, तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की को फर्क नहीं पड़ेगा। जब फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। अगर हमने एक ही फ्रीक्वेंसी की लाइट ली है तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। सो दैट वुड बी ऑल फॉर दिस लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इन केस कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कुछ भी आप केमिस्ट्री से रिलेटेड हमसे डिस्कस करना चाहें तो प्लीज आप हमें मेल कर सकते हैं h2ochemistry@gmail.com। और अब हमारे लिए कुछ, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस पे लाइक जरूर कीजिएगा, सो दैट कि हमें भी मालूम लगे कि आपको ये कैसा लग रहा है। आपके लाइक्स हमें और इनकरेजमेंट देते हैं कि हम आपके लिए और लेक्चर और कोर्सेज पुट इन कर सकें। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही में इस चैनल H2O का सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आता रहे जब भी हम आपके लिए एक नया लेक्चर पोस्ट करें, एक नया कोर्स पोस्ट करें। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड द बेल आइकन। सो अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल और साथ ही में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। एंजॉय योर स्टडी, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।